स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवा रही हूँ एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन 3। ठीक है, इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 और 2 विद कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। इसी तरह मैं आप क्वेश्चन 3 समझाऊंगी विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि टिक है तो ये टिक क्यों है आपको रीज़न भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 195 आर, अब इन्होंने कहा 3, 5 और 13, कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। तो आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 195 के, उसके लिए आपने 195 को यहाँ पे लिखा। अब आप देखिए लास्ट डिजिट जो है हमारे पास 5 है, हम यहाँ पे 2 फैक्टर लिखते हैं, ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब भी फैक्टर स्टार्ट करते हैं हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 फैक्टर लेने के लिए ज़रूरी होता है लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो हमारे पास तो 5 है, इसका मतलब हम यहाँ पे 2 फैक्टर नहीं ले सकते। ठीक है, 3 के लिए क्या ज़रूरी होता है, 3 फैक्टर के लिए ज़रूरी होता है आपने साइड डिजिट्स को प्लस करना है। अगर तो प्लस करके अगर कुछ ऐसा आ जाता है नंबर जो कि 3 के टेबल में आ रहा है, तो आप यहाँ पे 3 फैक्टर ले सकते हैं। तो देखिए प्लस करें 9 में, 5 प्लस करें कितना आता है 14, 14 में 1 प्लस करें 15। तो मैंने क्या कहा था, प्लस करके अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 के टेबल में आ रहा है, तो आप यहाँ पे 3 फैक्टर ले सकते हैं। हमने प्लस किया, प्लस करके 15 आ रहा है, 3 के टेबल में 15 आता है, यस आता है 3, 5 का मतलब आप यहाँ पे 3 फैक्टर ले सकते हैं। ठीक है, 3 के टेबल में 19 आता नहीं आता, 19 से छोटा 18 आता है। ठीक है, हम 19 को कट करके 18 बना लिए, 3 कितना 18 होता है 6, 19 था ये 18 बना, इसका 1 कहाँ गया, इसने इसको कैरी दे दिया, बन गया 15, 3 के टेबल में 15 आ गया 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से 3 फैक्टर ले सकते हैं कि नहीं, नहीं ले सकते, क्योंकि 6 और 5 को प्लस करें, प्लस करके आपके पास 11 आता है। ठीक है, तो 3 के टेबल में तो 11 नहीं आता, 12 आता है लेकिन 11 नहीं आता, इस मतलब 3 फैक्टर भी यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम 4, 6 और 8 यहाँ पर नहीं ले सकते, उसके लिए लास्ट डिजिट इवन होना ज़रूरी है, तो 5 फैक्टर ले सकते हैं। 5 फैक्टर के लिए ज़रूरी होता है लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5 हो, तो हमारे पास 5 है, इसका मतलब हम यहाँ पर 5 फैक्टर ले सकते हैं। 5 कितनी था 6 होता है, 5 के टेबल में 6 नहीं आता लेकिन 5 आता है, ये 5 बन गया। 5 कितनी था 5 हो गया 1, ये 6 था 5 बना, इसका 1 इधर चला गया, ये 15 बन गया, 5 के टेबल में 15 आ गया 3। अब 13 हमें पता है ये प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, ये 3 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा या 2 में भी नहीं आएगा, तो ऐसा नंबर प्राइम नंबर ही होता है, वो फिर सिर्फ अपने टेबल में आता है, 13 में आता है 13 आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर्स ये आ गए सारे, क्या आ गए फैक्टर्स, 3 × 5 × 13, 3, 5, 15। तो हमने इसलिए इसको टिक कर देना है, हमारे पास 195 के फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टर्स 3, 5 और 13। ठीक है, ACF ऑफ 75 एंड 45 इज़ 15 है, तो 15 कैसे है, देखिए हम लोग पहले फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करते हैं, फिर मैं ACF बताती हूँ। 75 है यहाँ पे ले लें और 45 यहाँ पे ले लें। ठीक है, इसके पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करें, 75 है, अब लास्ट डेट चेक करें 5 है, हम यहाँ पे 2 फैक्टर ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि लास्ट डेट उसके लिए इवन होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर लेने के लिए ज़रूरी होता है लास्ट डेट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो हमारे पास तो 5 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 फैक्टर नहीं ले सकते। ठीक है, 3 फैक्टर लेने के लिए ये रूल होता है, आपने साइड डिजिट्स को प्लस करना है, अगर तो प्लस करके ऐसा कोई नंबर आ जाता है जो कि 3 के टेबल में आ रहा है, तो आप यहाँ पे 3 ओके करें। ठीक है, 7 में 5 प्लस करें या तो 12 आया, 3 के टेबल में 12 आता है, यस आता है, इसका क्या मतलब है, ये पूरा नंबर ही 3 का डिविजिबल हो जाएगा। 3 के टेबल में 7 नहीं आता लेकिन 7 से छोटा 6 आता है, 3 कितने 6 होता है 2, ये 7 था 6 बना, इसका 1 कहाँ चला गया, इसने इसको कैरी दे दिया, ये बन गया 15, 3 के टेबल में 15 आ गया 5। अब देखिए हम यहाँ पे 3 फैक्टर ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 5 और 2 को प्लस करिए तो 7 आ रहा है, 3 के टेबल में तो 7 नहीं आता, इसका मतलब 3 फैक्टर नहीं लेंगे। 5 फैक्टर ले सकते हैं यहाँ पे, यस, क्यों, क्योंकि 5 फैक्टर के लिए ज़रूरी होता है लास्ट डेट या तो 0 या तो 5 हो, तो हमारे पास तो 5 आ रहा है, मतलब 5 ओके करें। ठीक है, 5 के टेबल में 25 आता है, यस, 5 के टेबल में 5 आता है 1। अब देखिए 45 है, फिर हम यहाँ पे 3 फैक्टर ले सकते हैं कि नहीं, उसके लिए मैंने आपको कहा था डिजिट्स को प्लस करें, 5 में 4 प्लस करें 9 आता है, तो 3 के टेबल में 9 आता है, यस आता है, इसका मतलब हम यहाँ पे 3 फैक्टर ले सकते हैं। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, आप क्या करेंगे, 3 बना देते हैं, 3 के टेबल में 3 आता है 1, 4 था 3 बना, इसका 1 इधर चला गया, बन गया 15, 3 के टेबल में 15 आ गया 5। अब देखें 3 फिर से ले सकते हैं, 3 के टेबल में 15 आता है 5, और 5 के टेबल में 5 1, तो हम क्या करेंगे फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 75 और यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 45, 75 के फैक्टर्स ये आ जाएंगे 3 × 5 × 5 और 45 के ये आ जाएंगे 3 × 3 × 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करें, ACF फाइंड आउट करें। ठीक है, ACF फाइंड आउट करें, तो ACF में क्या होता है, हमारे पास जो कॉमन है उनको मल्टीप्लाई करवा दें, कॉमन ये दोनों है। ठीक है, तो कॉमन ACF ऑफ 75 एंड 45 इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है, दोनों को कॉमन 3 है तो एक दफ़ा लिखे, 5 दोनों में है तो एक दफ़ा लिखे, अब इनको मल्टीप्लाई करवा दे, 5 3 का क्या आ रहा है 15 आ रहा है, तो हमने ACF फाइंड आउट किया 75 और 45 का, ये आया कॉमन फैक्टर, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 15 आया, तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, 15 आ रहा है ACF ऑफ 75 एंड 45। ठीक है, अब LCM है 3, 5 और 7 का, 105 आएगा, कैसे, देखें
3, 5 और 7 का, तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो जब भी प्राइम नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो अगर आपने डायरेक्ट बताना तो आप ऐसे कर सकते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा वही एलसीएम होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ, लेकिन ये होता है हमने जब तीनों प्राइम नंबर है ना 3, 5, 7, हम इनको मल्टीप्लाई करके जो आएंगे वही एलसीएम होगा। 7, 5 जो क्या होता है, 7, 5 जो 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, देखिए 5, 3 जो 15, 1 कैरी, 3, 3 जो 9 और ये 10, तो 105 आ रहा है देखें। तो इसका एलसीएम लेके भी हमारे पास 105 ही आएगा। देखें 3 लेंगे, यहाँ पे 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि कोई भी इवन नंबर नहीं है, 3, 1 जो 3 आ जाएगा, 5 वैसे के वैसे, 7 वैसे के वैसे, अब 5 ले लेंगे 1 जो और 7 वैसे के वैसे, अब 7 की बारी। तो अब देखें इसका एलसीएम क्या आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे एलसीएम लिख लिया, एलसीएम ऑफ 3, 5, 7 इज इक्वल टू इनके जो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो 7, 5 जो 35, 35, 3 जो 105। तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था इसका आंसर 105 ही आना है। क्यों आना है देखिए, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो जब भी प्राइम नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, हम उसको जो है इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट बताना हो तो तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आ रहा है वही इसका एलसीएम होता है, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज, ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। देखें कैसे एलसीएम हम ले रहे हैं 2 प्राइम नंबर्स का, जैसे 11 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी, ठीक है। तो उसका जो एलसीएम लेके हमारे पास आ रहा है 77 आ रहा है, हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, हमने कह दिया 77 आ रहा है, तो उसका जो एलसीएम है वो किसके भी इक्वल है कि हम प्रोडक्ट करवा देते दोनों नंबर का, कि 11 और 7 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते तो 77 आ रहा है, ठीक है। वही बात जो अभी इधर हम करके हटे हैं, ये 3 प्राइम नंबर्स हैं, ये 2 प्राइम नंबर्स हैं, बात तो एक ही है कि प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम आता है मल्टीप्लाई करने से आ रहता है नंबर्स को, जैसे 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है, हमने सॉल्व करके किया तब भी 6 आ रहा है, डायरेक्ट करवाएं तो 3, 2 जो 3 तब भी 6 होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ही है। एसीएफ इसका क्या आ रहा है, 49 का, 28 का, 70 का, 7 कैसे आ रहा है ये मैं बता, देखिए यहाँ पे 28 है, 49 और 70, इसका हमने क्या करना है एलसीएम लेना है, ठीक है, नहीं सॉरी इसका एसीएफ लेना है, ठीक है। एसीएफ लेने के लिए आप क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पहले फैक्टर्स के लिए देखिए 2 फैक्टर लेने के लिए ज़रूरी होता है, लास्ट पर डिजिट जो है 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, हमारे पास 8 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 फैक्टर ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 के टेबल में 2 आता है 1, 2 के टेबल में 8 आता है 4, अब फिर से 4 है लास्ट पे, तो हम 2 फैक्टर ले सकते हैं। 2 के टेबल में 14 आता है 7, 7 एक प्राइम नंबर है, किसी और के टेबल में नहीं आता तो 7, 1 जो 7 आ जाएगा, 49 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 फैक्टर नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नहीं है, ठीक है। तो 9 है, तो हम क्या करेंगे, अगर 3 फैक्टर लेते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है डिजिट्स को प्लस करें, 9 में 4 प्लस करें क्या आता है 13 आता है, तो 3 के टेबल में तो 13 ही आता है, इसमें तो 3 फैक्टर भी ले नहीं सकते। 5 वैसे नहीं लेंगे, उसके लिए 0 या 5 का लास्ट डिजिट होना ज़रूरी है, यहाँ हमारे पास हम 5 फैक्टर भी ले सकते क्योंकि हमारे पास तो 9 है, इसका मतलब हम सिर्फ यहाँ पे 7 ही ले सकेंगे क्योंकि हमने चेक किया 2, 3, 5, 7 नहीं आ रहा, 5 तक नहीं आ रहा, तो 7 के टेबल में 49 आते हैं, 7, 7 जो 49, 7, 1 जो 7 आ गया। अब देखिए 70 लास्ट जो 0 है, तो इसका क्या मतलब हम यहाँ पे 2 फैक्टर ले सकते हैं, 2 के टेबल में 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है, 2 की 3 6 होता है 3 जो 7 जो 6 बना, इसका 1 इधर चला गया, 1 गया 10, 2 के टेबल में 10 आ गया 5 जो। अब देखिए हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं, नहीं लास्ट डेट तो 5 है, तो मतलब हम यहाँ पे 3 भी नहीं ले सकते क्योंकि इनको प्लस करें 8 आता है, 3 के टेबल में तो 8 नहीं आता, तो 5 ले लें क्योंकि 5 लेने की जरूरत है, लास्ट डेट 0 या 5 हो तो 5 के टेबल में 35 होता है, 7 जो 7, 1 जो। हम ए सी फाइंड आउट करें, पहले लिखें फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 28, इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 49 और फैक्टर्स ऑफ 70, ठीक है, आपने पूरा लिख लेना है। यहाँ पे 28 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 7, 49 के फैक्टर्स हैं 7 × 7 और 70 के फैक्टर्स हैं 2 × 5 × 7। तो अब आप क्या करेंगे, एसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि जो कॉमन है सब में, ठीक है, कॉमन ये आ गया हमारे पास, बस यही कॉमन है तीनों में, तो हम क्या कहेंगे इसका 7 है, हम कहेंगे एसीएफ ऑफ 28, 49, 70, उसका सबका क्या है एसीएफ, जो कॉमन निकला और सबसे बड़ा है एसीएफ, एक ही निकल रहा है कॉमन, तो 7 आ जाएगा। तो उन्होंने भी क्या कहा था, हमारे पास एसीएफ हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 और 2 भी सॉल्व करवाए हुए, अगर वो आपने देखने तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके 5 क्लास मैथ काउंटडाउन है, उस पर देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊँगी, ठीक है।